हेलो गाइस, वेलकम टू द फास्ट व्हील्स। आज का मेरा ये जो वीडियो है, यह है नया सीएनजी का जो बाइक आया है बजाज का 125 फ्रीडम। तो ये जो बाइक है अभी मेरे पास, ये ब्लैक एंड ग्रे ग्राफिक्स के अंदर जो बाइक है वही है। इसका टोटल आता है 7 कलर्स। अभी शोरूम में 7 कलर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऑर्डर देने से आ जाएगा। फिर भी मैं स्क्रीन में डाल दे रहा हूँ उसके नाम के साथ, आप देख लीजिएगा। लेकिन ये सभी कलर आपको मिल सकते हैं, लेकिन आफ्टर ऑर्डर। अभी फ़िलहाल सिर्फ ब्लैक एंड ग्रे ही यहाँ पर अवेलेबल है। इसका जो मेन अट्रैक्टिव पार्ट है वो है, ये बाइक टोटली सीएनजी के बेस्ट चलेगा। तो इसका जो सीट है आप देख सकते हैं, काफ़ी लंबा है। ये लंबा होने का मेन कारण यही है, सीट के नीचे एक सीएनजी का वाइट कलर का टैंक दिया हुआ है। इस ओरिएंटेशन में टैंक रहता है, और इसके थोड़ा सा ऊपर में ये जो आप देख पा रहे हैं, ये है एक छोटा सा टैंक। टैंक कैपेसिटी ऑलरेडी आपको स्क्रीन में दिख रहा है। तो ये बाइक का मेन जो खासियत है वो है माइलेज। कंपनी क्लेम करता है इसका पर लीटर में 120 किलोमीटर चल सकता है ये गाड़ी। तो प्रैक्टिकली ये चल पाएगा कि नहीं पाएगा, ये तो डिबेट का बात है। मैं इसको बाद में, अगर मेरा हाथ में गाड़ी आएगा तब मैं आपको इसका माइलेज का वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। फ़िलहाल ये जो बाइक है इसका ये है बैक लुक्स। जो LED इसका लाइट है, लेकिन इसका जो इंडिकेटर है वो है हैलोजन। और सामने भी इसका जो हेडलाइट है ये टोटली आपका LED है। सिर्फ इसका जो इंडिकेटर से वही हैलोजन है। लाइट का थ्रो काफ़ी अच्छा है। अभी तो दिन है, रात में अगर ये वीडियो होता तो आपका लाइट का अच्छे से एक रिव्यू मिलता। और इसका इंजन आप देख सकते हैं, इंजन डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन जितना भी है माइलेज गाड़ी के लिए ठीक ठाक है। इसमें मोनोशॉक सस्पेंशन आता है, इसमें ही मोनोशॉक दे दिया है। तो आप देख सकते हैं, ज़्यादातर 100 से 125 सीसी गाड़ी में नॉर्मल वैसा ही सस्पेंशन आता था। इसमें एक अच्छा चीज़ है कि इसका सस्पेंशन मोनोशॉक नीचे डाउन अच्छे से, मतलब आपका शॉक एब्जॉर्ब कर पाएगा। और इसका एक बात और अच्छा है जो है, इसका सीट यहाँ पर आप 3 आदमी भी आराम से बैठ सकते हैं। ये सजेस्टेड नहीं है कि आप रोड में 3 आदमी बाइक में बैठे, लेकिन सीट का जो मतलब साइज़ है, आप 2-3 आदमी तो पीछे ले ही सकते हैं। इंडियन रोड्स के हिसाब से इसको बनाया गया है। और एक और चीज़ मैं जो बताना चाहूँगा, इस बाइक में एक स्विच डेडिकेटेड दिया हुआ है, जो आप CNG टू पेट्रोल स्विच कर सकते हैं। ये वाला जो है आप देख सकते हैं, CNG का लोगो दिया हुआ है और नीचे जो है पेट्रोल का। और इसका ठीक ऊपर ही आपको देख सकते हैं, इसमें हेडलाइट हाई बीम लो बीम दिया हुआ है। यहाँ पर यह है अभी हाई बीम, ये लो बीम, और ये है पास। तो डेडिकेटेड स्विच एक पास में ही सब दे दिया है। और यहाँ पर एक कॉल का एक फीचर्स अलग से आता है। ये बेसिकली टॉम मॉडल है जो आपका डिस्क ब्रेक के साथ आता है। तो ये है आपका टॉम मॉडल। इसका जो एक शोरूम प्राइस है 1,10,000 से 15,000 के अराउंड। मैं आपको स्क्रीन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा एक्चुअल प्राइस कितना है। इसका और भी दो मॉडल्स आता है, एक मिड वेरिएंट आता है और एक आता है आपका लो वेरिएंट। मिड वेरिएंट में भी आपको ड्रमी ब्रेक मिलता है, लेकिन उसमें आपको LED लाइट मिलता है। और इसका जो बेस मॉडल है उसमें आपको LED की जगह हैलोजन लाइट मिलेगा। उसका प्राइस 90,000 अराउंड है। और एक चीज़ ये इस बाइक में मुझे जो सबसे अच्छा लग रहा है वो है कि इसका ये जो मतलब दोनों ही ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि आपका CNG में ही सिर्फ चलेगा। इसमें पेट्रोल का भी एक टैंक दिया हुआ है, आप उस हिसाब से इसको स्विच भी कर सकते हैं। और इसका ऑल डिजिटल एक डिस्प्ले दिया हुआ है। फिलहाल मैं इसको ऑन नहीं कर पा रहा क्योंकि इसमें अभी गाड़ी ओके नहीं है, मतलब रेडी नहीं है चलाने के लिए। जब ये रेडी हो जाएगा इसके ऊपर एक टोटल वर्क थ्रू आएगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक करके रखिएगा, ताकि मैं जब वीडियो डालता रहूँ तो आपको वो सब वीडियो मिलता रहे। और इसमें एक और चीज़ है, आपको प्रैक्टिकलिटी के लिए हुक दिया गया है, जिस वजह से आप कोई भी सामान वगैरह सीट में बांध सकते हैं। वैसे तो सीट बहुत बड़ा है, अगर आप सामने बैठेंगे आपके लिए इतना सा स्पेस है, फिर भी आप यहाँ पर लगेज रख सकते हैं। तो उस हिसाब से हम देखें तो ये प्रैक्टिकलिटी में लीड करेगा आज के डेट में जो मार्केट में जो भी गाड़ी है उसके ऊपर। यह है NG4, ये मॉडल नंबर। और टायर प्रोफाइल आपको अगर बता दूं, ऑलरेडी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ, ये 120 सेक्शन का टायर है, मतलब जो इसका थिकनेस है यह 120 सेक्शन का। 150 सीसी में बाइक में आप जाएंगे तभी 130 सेक्शन में आएगा, 200 सीसी आता है तो 140 सेक्शन आ जाता है। और इसका जो रिम है, ये जनरली बहुत सारा बाइक है जो 17 इंच में आता है, लेकिन ये तो छोटा डिस्प्लेसमेंट का बाइक है, इसलिए इसमें 16 इंच का आता है। और अगर मैं इसका डिस्क के बारे में भी बात करूँ, तो पीछे आपको डिस्क नहीं मिलेगा, ये ड्रम है। फ्रंट में डिस्क मिलेगा, इसका आपका डायमीटर दिख रहा होगा ऑलरेडी। और ये जो कैलिपर है, ये है एंड्योरेंस का।
और इसका भी जो प्रोफाइल है मैं आपको बता देता हूँ कि ये 90 सेक्शन का है, लेकिन इसका जो रिम साइज़ है ये 17 इंच का है, 19x80 and 17 यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसका ऑल ओवर जो है ये यूरो ग्रिप का टायर है, और सस्पेंशन भी आप देख सकते हैं 43mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। टेलीस्कोपिक आपको नहीं लग सकता है दूर से, क्योंकि ये एक अच्छे से प्लास्टिक से थिक कवर किया हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये टेलीस्कोपिक ही है। यहाँ पर आपको जो मतलब गाड़ी जब यहाँ पर आप मूवमेंट होता है तो इसके अंदर ही होता है, वो शायद आपको नहीं दिखेगा कवर की वजह से। और मार्टगार्ड प्रॉपरली एम्बेडेड है, इसमें कीचड़ वगैरह उछालने का कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ग्राउंड क्लियरेंस नॉर्मली इंडियन रोड के हिसाब से जितना है इतना काफ़ी है। सो और यहाँ पर एक और जो डेडिकेटेड यहाँ पर दिया गया है वो है साड़ी गार्ड के साथ लेडीज़ फुट रेस्ट। आज ज़्यादातर बाइक में लेडीज़ फुट रेस्ट नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी ये एक प्रैक्टिकल बाइक है, तो इसलिए ये एक्चुअली फैमिली बाइक की तरह है, तो इसमें फिर लेडीज़ फुट रेस्ट आना कॉमन बात है। फिर भी बहुत कोई कंपनी इसको आज धीरे धीरे मतलब नहीं दे रहा है, लेकिन इसका एक चीज़ है जो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये तो एक आपका फैमिली बाइक बोल के बजाज ने लॉन्च किया था, तो इसमें एक चीज़ किया जा सकता था वो है चेन को पूरा कवर कर सकता था, लेकिन इसमें ओपन चेन दे दिया है। आप पास में देख सकते हैं ये जो आपका CT 100X है, और प्लैटिना वगैरह जो आता है उस सब में आपको चेन कवर प्रॉपरली मिलता है। इसमें मैं इसको अगर कोई मैं ज़बरदस्ती ड्रॉबैक मानूँ तो इसको ही मैं मान सकता हूँ कि इसका चेन ओपन है। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बाइक लुक्स के हिसाब से उतना भी बुरा नहीं है, टैंक बहुत ही अच्छा मस्कुलर लगता है। और अगर आप देखेंगे इसका ओवरऑल जो साइड प्रोफाइल, तो यही था इस बाइक के बारे में टोटल वर्क थ्रू। अभी अगर इसमें कुछ मेरा छूट गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा। और अगर कुछ और वीडियो देखना है वो भी हमको बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम उसको भी कवर करने का कोशिश करेंगे। तो अगर आप मेरा चैनल को रेगुलर विजिट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट बाइक्स का स्पेशली जो ज़्यादा लोग खरीदते हैं, जो ज़्यादा पॉपुलर है, उन बाइक के ऊपर मैं मल्टीपल वीडियो डालता रहता हूँ। तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऐसे देखने के लिए चैनल को मैं फिर से बोलूँगा सब्सक्राइब करके रखने के लिए, और खुद के दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी देखने का मौका मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।